वेलकम टू ISCS। ISCS ऑनलाइन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, ISCS ऑनलाइन के रैपिड फायर राउंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज रैपिड फायर राउंड शुरू करने से पहले फिर से वो सवाल देख लेते हैं जो पिछले रैपिड फायर राउंड में आपके लिए छोड़ दिया गया था। दोस्तों, पिछले रैपिड फायर राउंड का आखिरी सवाल था, वो सवाल था, सिंदूर या भखरा किसे कहते हैं? लाल लेड, HGS, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों। मतलब दोस्तों, सिंदूर जो है इसे हम भखरा भी कहते हैं, यह लाल लेड भी होता है और ये पारद सल्फेट भी होता है, यानी कि HGS भी होता है। ठीक है दोस्तों, आज मेरी आवाज़ थोड़ी फंसी हुई है, यानी जुकाम हुआ पड़ा है दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, चलते हैं हम लोग आज का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 मार्च, 21 जून या फिर 22 दिसंबर? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21 जून यानी कि 21 मार्च। नाउ दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश या उदयमान सूर्य, बहुत चमकदार चंद्रमा या फिर सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व। दोस्तों, याद रखना, पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ये सवाल पहले कितने भी बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। दोस्तों, याद रखना इस क्वेश्चन को। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है उद्योग से, व्यापार से, कृषि से या फिर बैंक से? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कृषि से। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आय के लिए अर्थव्यवस्था को प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन तथा उत्खनन है। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में वो सारे चीज़ें आती हैं जिसमें वस्तुओं का रॉ मटेरियल से या फिर रॉ मटेरियल का उत्पादन होता है। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्रों में उद्योगों का उद्योग होते हैं जहां पर रॉ मटेरियल्स को आगे प्रोसेस किया जाता है। और तीसरा होता है जिसे हम सर्विसेज कहते हैं, जबकि हम बने हुए पदार्थों को आखिरी उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आखिरी उपभोक्ता तक पहुंचाने वाले को ट्रेड में रखा जाता है, जैसे दुकानें होती हैं, मिठाई की दुकानें होती हैं या फिर वो सारे क्षेत्र आते हैं जहां पर वो पूर्ण रूप से तैयार उत्पाद आखिरी कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पालन, खनन तथा उत्खनन है, जहां पर रॉ मटेरियल्स उत्पादन किए जाते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। रेयन फाइबर का निर्माण होता है किससे होता है? पेट्रोलियम से,
रसायन से, लुगदी से या फिर नाफ्ता से? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लुगदी से। दोस्तों ये लुगदी क्या होता है? दोस्तों ये रेयान फाइबर एक्चुअली सेल्यूलोज से बनते हैं। किससे? सेल्यूलोज के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सेल्यूलोज से बनते हैं जो जो कि ना ही नेचुरल और ना ही आर्टिफिशियल के कैटेगरी में आप रख सकते हैं, क्योंकि ये पुनर्जीवित सेल्यूलोज से बनते हैं, यानी कि जो सेल्यूलोज डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज सेल्यूलोज से फिर इसे रेयान फाइबर बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लुगदी कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। लाल पांडा पाया जाता है जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर गोवा में? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। दोस्तों ये सिक्किम के साथ साथ आप अरुणाचल प्रदेश भी होता है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, याद रखेंगे दोस्तों। यदि सिक्किम के साथ अगर अरुणाचल प्रदेश भी ऑप्शन में रहे तो दोनों ही आंसर होगा सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 90 या फिर अनुच्छेद 376? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368, 368। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से, संसद सदस्यों के दो तिहाई व राज्य के एक तिहाई बहुमत से या फिर जनमत संग्रह से? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जनमत संग्रह से। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं? मैसूर, त्रावणकोर, कुर्ग या फिर कुछ बिहार? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, त्रावणकोर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? मेगास्तनीज, वेनसांग, इब्न बतूता या फिर अल बरूनी? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेनसांग। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है कहाँ? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक या फिर संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपणों, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों पर निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है या फिर किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
उच्च न्यायालयों द्वारा निर्मित प्रकरणों की समालोचना कर सकता है। दोस्तों, ये न्यायिक पुनर्विलोकन क्या कहलाता है? न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है फिर से क्या करते हैं इसे, जो भी जजमेंटल रिव्यू कहते हैं, इसको क्या करते हैं, रिव्यू किया जाता है। अगर कोई भी पुराने जितने भी फैसले हैं, वो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया हो या फिर उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया हो, उन सारे फैसलों का पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू कौन कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स, ईडन गार्डन, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड या फिर ग्रीन पार्क? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, किसे जाता है, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, जे एम किन्स या फिर थॉमस मन? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। दोस्तों, कार्ल मार्क्स को साइंटिफिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय दिया जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। भारत भवन कहाँ है? दोस्तों, याद रखना, ये भारत भवन को आप लोग इंडिया हाउस मत बोल देना, ये भारत भवन हिंदी में लिखा हुआ है। तो भारत भवन कहाँ है, दिल्ली में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर भोपाल में? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। दोस्तों, याद रखना, भारत भवन भोपाल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है? उज्जैन, खजुराहो, ओरछा या फिर मांडू? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, खजुराहो। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17। अलहिलाल नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफार खान या फिर मुजीबुर रहमान? तो दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आजाद। दोस्तों, थोड़ी सी यहां पे टेक्निकल एरर हुआ है, याद रखें दोस्तों, आंसर होगा अबुल कलाम आजाद, ना कि खान अब्दुल गफार खान। दोस्तों, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, याद रखें, आंसर इज अबुल कलाम आजाद। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दांत या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरिया। दोस्तों, मलेरिया मादा एनिफिलिस का मच्छर से होता है, किससे होता है, मादा एनिफिलिस से मलेरिया, और मादा क्यूलेक्स से फाइलेरिया। रिंगवर्म ये फंगस डिजीज है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर या फिर केरल? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केरल। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर, आगरा, कानपुर तथा लखनऊ या उपर्युक्त में से कोई नहीं? दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21।
विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? फेफड़ा, वृक्क, छाती या फिर यकृत? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यकृत, दोस्तों जिसे लीवर भी कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लूनी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947, 1948, 1952 या फिर 1956? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1952 यानी कि 1952। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 24। जब दो वस्तुएं पूर्ण रूप से परस्पर विनिमेय हैं तो वे पूर्णतः स्थापन्न है यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे की, पूर्णतः पूरक है यानी कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, गिफन वस्तु है या फिर बेलवेन वस्तुएं हैं? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः स्थापन यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। तो दोस्तों जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को इंटरचेंज कर सकती है तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं? एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट कहते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब स्थापन होता है, जो एक चीज दूसरे, जैसे क्या कह सकते हैं कि आप थम्सअप को कोका कोला से आप क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये क्या हो गया? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो गए। लेकिन दोस्तों परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्स वो होते हैं जो एक के साथ दूसरा हमेशा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि आप फ्रिज खरीदने जाते हैं तो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उसके साथ आप लेते हैं स्टेबिलाईजर, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया? एक दूसरे के पूरक हो गए। जबकि गिफन वस्तुएं वो सारी वस्तुएं होती हैं जिसका अगर कीमत कम भी हो जाए फिर भी उसकी मांग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे दोस्तों नमक, आप अगर नमक लेते हैं, ठीक है, फिर भी अगर नमक की कीमत बहुत कम हो भी जाए तो वह व्यक्ति उतना ही नमक खरीदता है जितना कि उसे आवश्यकता होती है। तो ऐसी वस्तुओं को गिफन वस्तुएं यानी गिफन गुड्स कहा जाता है। दोस्तों नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25। युद्ध स्थिति में प्रारंभ या समाप्ति के बारे में अधिसूचना का उत्तरदायित्व किसका है? गृह मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय का। दोस्तों याद रखें सिर्फ अधिसूचना देने का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय का होता है, जबकि अगर इसका डिक्लेरेशन, वार का डिक्लेरेशन कि वार शुरू हो चुका है या फिर समाप्त हो चुका है, इसका डिक्लेरेशन रक्षा ये राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन के साथ ही आज का रैपिड फायर राउंड यही समाप्त होता है। हम फिर कल 25 क्वेश्चंस को के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे और हमारा प्रयास होगा कि क्वेश्चंस बहुत ही बेहतर हों और आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हों, ठीक है दोस्तों। तो बिफोर वी वाइंड अप दी टूडेज रैपिड फायर राउंड वी विल गिव यू ए क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन फॉर यू इज, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? लॉर्ड माउंट बेटन, सर कॉरिल रेडक्लिफ, सर रेडफोर्ड रेडक्लिफ या फिर लॉरिस, ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर इससे संबंधित कुछ और भी जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप शेयर करें, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है दोस्तों। बस आज का रैपिड फायर राउंड यही समाप्त होता है। कल फिर से हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक दोस्तों वीडियो देखते रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। थैंक्स अ लॉट।